सो ऑलमोस्ट एक साल पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कि व्हाट इफ थॉर एंड हल्क वर इन सिविल वॉर, जिसके स्टोरी मोड वाले वीडियो में मैंने बोला था कि टोनी बैनर के लिए एक आइलैंड खरीदता है एंड वहाँ एक लैब बनाता है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि उस चीज को मैं यहाँ क्यों बता रहा हूँ। तो भाइयों, शी हल्क में हमने देखा कि टोनी ने बैनर के लिए एक लैब बनवाया था एक आइलैंड में, जो चीज मैंने अपनी स्टोरी में एक साल पहले ही बता दिया था। तो क्या पता जो चीज मैं अपने इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ एज अ फॉर्म ऑफ थ्योरी, वो हमें आने वाले समय में देखने को मिल जाए। सो गाइस, आपको याद होगा कि टोनी की नजर पीटर पार्कर पर बहुत समय से थी, इसीलिए जब सिविल वॉर में उसको जरूरत पड़ी तो वो ना सिर्फ उसको अपनी टीम में लिया बल्कि एक सूट भी दिया जो कि एक अपग्रेड था। सो व्हाट इफ टोनी ने पीटर के जैसे और भी होनहार स्टूडेंट ढूंढे जिसमें से एक बच्ची रीरी विलियम्स हो, एंड टोनी ने उसको जो सूट अपग्रेड किया था वो हमें वाकांडा फॉरएवर में देखने को मिलेगा, क्योंकि वाकांडा फॉरएवर की एक टॉय लीक सामने आई है जिसमें हमें आयरन हार्ट का फर्स्ट लुक देखने को मिला है, जो कि आयरन हार्ट सीरीज से लीक हुए आयरन हार्ट मार्क 1 आर्मर से बिल्कुल ही हटके है। इसका लुक कॉमिक में दिखे आयरन हार्ट के मार्क 2 एंड मार्क 3 के कॉम्बिनेशन से बना है। एज आप देख सकते हैं कि इसमें जो रेड पार्ट है वो मार्क 2 से लिया गया है, वहीं जो बीच में ब्लैक पार्ट है वो कॉमिक के मार्क 3 से लिया गया है। अब ये सूट जो हमें देखने को मिल रहा है, जो कि हमें एमसीयू में भी देखने को मिलेगा, इसमें आप आयरन मैन की झलक एंड इम्पैक्ट को देख ही सकते हैं। बट सोचने वाली बात ये है कि रीरी विलियम्स, जो कि वाकांडा से बिलोंग करती है, उसको आयरन मैन इतना कैसे भा गया कि वो उसके जैसा बनना चाहती है। आप ही एक बार सोच कर देखो कि वाकांडा के टेक्नोलॉजिकल डिपार्टमेंट की प्रोमिनेंट मेंबर वाकांडा के हाई टेक से ज्यादा इंप्रेस्ड आयरन मैन के टेक से है, तो कुछ तो बात होगी। जिसके लिए मैंने 3 से 4 रीजन सोचे हैं कि क्यों रीरी विलियम्स आयरन मैन से इम्प्रेस थी और वो उसके जैसा बनना चाहती थी। जिसमें से सबसे पहला रीजन ये हो सकता है कि आयरन मैन का जो नैनोटेक है वो उसको काफी ज्यादा भा गया होगा, क्योंकि नैनोटेक से सूट तो शूरी ने भी बनाया था ब्लैक पैंथर का, बट वो ऑफेंसिव कम डिफेंसिव ज्यादा था। वहीं टोनी का जो नैनोटेक से बना सूट था वो ऑफेंस एंड डिफेंस के मामले में बिल्कुल बैलेंस था। ऑब्वियसली वाइब्रेनियम टोनी के गोल्ड टाइटेनियम एलॉय से बने सूट से काफी ऊपर होगा, बट स्टिल टोनी कामयाब हुआ एक ऐसा सूट बनाने में जो थानोस तक को टक्कर दे दे, तो हो सकता है कि ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है रीरी विलियम्स का टोनी के तरफ अट्रैक्ट होने का। सेकेंड रीजन की बात करें तो हो सकता है कि रीरी विलियम्स के पेरेंट्स सिविल वॉर में नाइजीरिया या फिर यूएन वाले इंसिडेंट में मारे गए होंगे, जिसके बाद से वी ऑन लो कि टोनी स्टार की वो बंदा था जो सुकोविया कॉर्ड्स को माना प्लस उन मुजरिम को पकड़ने में लगा था। अब एक बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उसके मॉम डैड के कातिल के पीछे लगा हुआ जो बंदा होगा उसके लिए तो वो हीरो ही होगा, जो कि टोनी स्टार्क हो सकता है। अब बात करें तीसरे कारण की, तो हो सकता है कि स्नैप के बाद टोनी ने जो आर्मर्स बनाए उनमें से कुछ उसने वाकांडा के डिफेंस के लिए लगाए होंगे, क्योंकि स्नैप के बाद वाकांडा का किंग मिसिंग था प्लस वहाँ की जीनियस भी धूल बन गई थी। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एंड गेम में जो सूट दिखा था उसका नाम मार्क 85 था, सो हाई चांस है कि टोनी ने मार्क 51 से मार्क 84 तक जो सूट बनाए होंगे उनको वो ग्लोबल डिफेंस में लगाया होगा ताकि सब कुछ कंट्रोल में रहे, एंड जब ब्लिप खत्म हुआ तो वो आर्मर्स की जरूरत नहीं पड़ी एंड वो सब होल्ड पर चले गए, जिसके बाद से हैमर इंडस्ट्रीज या कोई और चोरी करने गया होगा, जो कि एक प्लॉट बनेगा आर्मर वॉर्स के लिए। यहाँ पर आप लोग देख ही सकते हैं कि कैसे मार्वल वाले यहाँ एक तीर से 2 शिकार कर सकते हैं अगर वो हमें ये दिखा दे कि टोनी का मार्क 51 से लेके मार्क 84 ग्लोबल डिफेंस के ड्यूटी में लगा हुआ था। यहाँ पर कुछ लोग बोल सकते हैं कि अगर ऐसा था तो ये सूट हमें एंड गेम में क्यों देखने को नहीं मिला, तो इसके लिए मैं ये कहूंगा जिस तरह फार फ्रॉम होम के अंदर हमें एडिथ इतने तादाद में दिखा था और हमें पता चला कि वो क्या क्या कर सकता है बट फिर भी वो एंड गेम में नहीं आया था, तो हो सकता है कि उसी तरह टोनी के जो बाकी आर्मर्स थे उनको एंड गेम में इसीलिए इन्वॉल्व नहीं किया गया था। सो मार्क 51 से मार्क 84 को दिखाकर वो लोग ना सिर्फ रीरी विलियम से आयरन हार्ट तक बनने का सफर हमें दिखा सकते हैं बल्कि आर्मर वॉर्स के लिए भी न्यू रख सकते हैं। अब बात करें आखिरी कारण की, तो हो सकता है कि रीरी विलियम्स उन ब्राइट स्टूडेंट में से हो जिसको टोनी अपने सितंबर फाउंडेशन से फंड करता था, जो चीज उसके लिए बहुत ही ज्यादा मैटर करती होगी एंड इसीलिए वो उसके जैसा बनना चाहती थी ताकि वो भी जरूरतमंदों की मदद कर सके। ये सीन काइंड ऑफ हॉकाई के एपिसोड 1 के इस सीन के जैसा हो सकता है जहां हॉकाई को अकेले लड़ता
देख वो उसकी फैन बन गई थी, जबकि हम लोगों को मालूम है कि न्यूयॉर्क बैटल में आयरन मैन, थॉर, कैप्टन अमेरिका और हल्क जैसे कैरेक्टर्स थे। रीरी विलियम्स का आयरन मैन के प्रति लगाव को टोनी ने भी देखा होगा, इसीलिए टोनी ने उसको अपने नैनोबॉट्स दिए होंगे, जिससे ये आयरन हार्ट का सूट बना है। ये सूट देखने से नैनोटेक से बना हुआ लग रहा है। वैसे भी टोनी ने अपने करीबी लोगों के लिए कुछ ना कुछ छोड़ा था, जैसे पीटर के लिए एडिथ एंड बैनर के लिए एक आइलैंड प्लस लैब, तो उसी तरह हो सकता है कि उसने रीरी विलियम्स के लिए एक मॉडिफाइड आर्मर छोड़ा होगा, जिसको वाकांडा फॉरएवर में दिखाया जाए, जिसके बाद फैंस ये जानने के लिए उत्सुक होंगे कि रीरी विलियम्स के पास ये आर्मर आया कहां से, जिसके वजह से आयरन हार्ट की हाइप और बढ़ जाएगी। मैं तो चाहूंगा कि टोनी के आर्मर का कुछ पार्ट हमें आयरन हार्ट के सूट में देखने को मिले, ताकि टोनी का प्रेजेंस भी फील हो। वैसे भी आयरन हार्ट आयरन मैन के लेगेसी को कैरी करेगी, तो ऐसा होना भी चाहिए। वैसे आयरन हार्ट का ये सूट मुझे नैनोटेक से बना हुआ लग रहा था, तो जितने भी थ्योरी या पॉसिबिलिटी दिमाग में आए वो सब मैंने आपको बता दिया। आपका क्या कहना है इस पर आप हमें कमेंट सेक्शन के जरिए बता सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। इसके अलावा स्क्रीन में दिख रहे मजेदार वीडियो लिंक्स पर भी आप क्लिक करके और भी इंटरटेनिंग वीडियोस देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।